तो दोस्तों बजाज हिंदुस्तान सुगर ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे है क्वार्टर टू के नंबर्स। डाटाबेस के लिए कंपनी को ग्रोथ में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1360 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1323 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 1133 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 15% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 15-16% के आसपास की गिरावट है। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1438 करोड़ खर्च किए, तो पिछले साल 1492 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1286 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ठीक है, कंट्रोल ही है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि कंपनी लॉस में ही डील करी है काफ़ी लंबे समय से। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 74 करोड़ के आसपास का लॉस था, पिछले साल 162 करोड़ का लॉस, अभी देखें तो कंपनी का लॉस 122 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास की गिरावट है कंपनी के लॉस के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 60 पैसे का माइनस का EPS था, पिछले साल 1.30 रुपये माइनस का, अभी देखें तो 99 पैसे माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो नंबर देखिए कुछ खास लग नहीं रहे, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, वो एक चिंता वाली बात है। और कंपनी का लॉस भी देखें तो वो भी आपको क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने मिला, हालांकि साल दर साल थोड़ा सा कम होता हुआ देखने मिला है, लेकिन रेवेन्यू के अंदर अगर ग्रोथ होती तो कंपनी के नंबर हो सकते थे शानदार हो सकते थे। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।